भैया, कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, साहब ने कहा था
अब ठीक है। कैसा लग रहा है? कुछ और आम आया? हमें कैसा लग रहा है? ये आप लोग भी जानते हैं। अगर कृष्णा को हमसे कोई भी शिकायत है तो उसकी सजा हमें दे। लेकिन इस तरह से खुद को और अपने परिवार को परेशान ना कर। कृष्णा घर चले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें भी तभी अच्छा लगे, और अगर नहीं तो इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको घर चलना ही होगा, लेकिन आपके पीछे से इतना परेशान हो रहे हैं सारे के सारे। अभी अब आपको घर चलना चाहिए बस, और आपको ना यहाँ से लिए बिना हम नहीं जाएंगे। खबर सुनाने के लिए तुम आज यहाँ आए थे साले? कैसे बच गई तुम लोगों की नजरों से? प्रतिज्ञा चाहिए, वो भी बबुआ से मिलने से पहले।
देखिए इनकी हालत बहुत ही सीरियस है। हम आप ही से बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कहाँ है? मैडम देखिए हम सब यहाँ है ना, हम पेशेंट को एडमिट करके इलाज शुरू कर देते हैं। आप इलाज शुरू करेंगे मतलब? डॉक्टर साहब कहाँ है? देखिए डॉक्टर साहब आ जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। परेशान ना हो, क्यों ना हो परेशान, यहाँ पेशेंट इतना सीरियस है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और इतने बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है। हम कुछ नहीं जानते, अगर आज कृष्णा के इलाज में जरा सी भी लापरवाही हुई तो इसका नतीजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये समझ लेना। पेशेंट को जल्दी वार्ड में एडमिट करो। मोहन फास्ट जल्दी कीजिए, फर्स्ट एड रेडी करो। हेलो कौन? अरे कताओ बबुआ ना हो किसनवा, ससुर बड़का लाड गवर्नर बने फोन कर रहे हैं। अरे कह दो चुपचाप चले आऊं मैं, डरे नहीं कोनो कुछ नहीं कहेगा बेहूदा। अरे इतना रात को कौन फोन कर रहा है भाई? चाची हम टुन्ना बोल रहे हैं। चाची वो भैया तो मिल गए हैं लेकिन ये वक्त तू अस्पताल में है चाची। क्या बोल रही तू? अरे हम सही कह रहे हैं, हमको तो लगता है कि ससुराल बीबी के चक्कर में अपने जान जोखिम में डाल दिया है, जाना पड़ेगा बाबा को देखने के लिए, पता नहीं कौन सी हालत में होगा, आइए ना जल्दी से। सकिया की जल्दी से आप। माँ जी बाबा को पता नहीं कहा हो गया अस्पताल में भर्ती है, उसके दोस्त का फोन आया था। खाइए बहुत मूर्ख है, अरे ऐसा क्या हो गया जो बबुआ को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, इन्हें पूछ लिया फोन पे बिरहा सुन रही थे। चलिए चलो डॉक्टर साहब आ गए हैं। आप अंदर नहीं आ सकती जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, भैया सही हो जाएंगे। आप बैठिए, आइए भाभी बैठिए। हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। भाभी आप चिंता मत कीजिए, भैया को कुछ ही नहीं होगा, सही हो जाएंगे भैया। देखिए आप ऐसे रोइए मत भाभी, हम आते हैं भाभी। अरे क्या हुआ, हमने
पापा को, बताना क्या हुआ। अरे यह दिन दिखाना बाकी रह गया था तुमको, जो चाहती थी सब हो गया ना। कहा हुआ अपने पापा को बोल, कहा हुआ पापा को। ये बेटा बबुआ कहाँ है, क्या कर दिया तुमने उसके साथ। बबुआ पागलों की तरह टूट के तुमको इतना चाहा और तुम उसको यहीं नतीजे तक ले आई। कहाँ है हमारा बाबा बोल। पेशेंट की हालत काफी सीरियस होती जा रही है, उनके सारे शरीर में जहर फैल चुका है, उन्हें हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर, हम हैं कृष्णा के बाप ठाकुर सज्जन सिंह, और उसकी जिंदगी बचाना तुम्हारा फर्ज है। कहे कि अब तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है, कैसे भी कुछ भी करके हमरे बाबा को बचाओ। कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, जाओ यहाँ से, बचाओ डॉक्टर, किसी भी तरह से बचाओ। जहर? कौन सा जहर? कौन सा जहर की बात कर रहा था डॉक्टर? कौन सा जहर बता ना, कौन सा जहर? अरे इसे जहर दे दिया हमारे पापा को, नहीं तो यही मजबूर कर दी होगी उसको जहर पीने के लिए। बोल कौन सा जहर, कौन सा जहर? कृष्णा को टूटते अभी जहरीले सांप ने काट लिया था। और हमें बचाने के चक्कर में उसने हमारे शरीर से जहर निकाला था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।